हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम हरियाणा में हुए क्लर्क के एग्जाम को डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम हुआ 23 सितंबर को। ये एग्जाम है आपका 23 सितंबर को, मॉर्निंग शिफ्ट वाला ये पेपर है और इसमें हम पूरी आंसर की डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स इज इक्वल टू टेन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स आपकी वैल्यू दी हुई है तो आपको dy वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसके सॉल्यूशन पर इसका आंसर आएगा 1, जो आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो इसमें आपका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटर्स पर कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, तो इसमें आपका आंसर आएगा दो पॉइंटर्स की तुलना की जा सकती है, ये इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उस योजना को क्या कहते हैं, तो वह योजना है तीर्थ दर्शन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो यह आपका मनाया जाता था 26 जनवरी को, लेकिन आपकी इसमें स्टार्टिंग डेट आएगी तो इसमें आपका आंसर आएगा 26 जनवरी 1930, जो आपका 1929 के लाहौर सेशन हुआ था, ये आपका लाहौर सेशन हुआ था उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसी डेट के महत्व को देते हुए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके वाई की वैल्यू दी हुई है तो आपको बताना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें आपका आंसर आएगा 1, बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जहां भारत दुनिया में 140वें स्थान पर है, यह किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह जारी किया गया है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र के कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो यह स्थित है हिसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरंडम यह क्या है, तो यह है सिलिकॉन कार्बाइड, तो बी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपके दिए हुए हैं तो इस उदाहरण से परिणाम क्या आएगा, यानी इस एग्जाम्पल का आउटपुट क्या होगा, तो इसका आउटपुट आएगा 30-40, डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर टी बाई जे की रेशियो 2 है तो एक्स बाई एच की रेशियो क्या आएगी, तो यह आएगी 3, जैसे टी आपका 20 नंबर पर होता है, जे 10 नंबर पर होता है, तो ये 2 आ गया, ऐसे ही एक्स आपका 24 नंबर पर होता है अपॉन में एच 8, तो ये 3 इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, सूरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई गई है, तो इसमें आपका आंसर आएगा सोनीपत, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित किया गया था 1986 में, यह आपका 7 जनवरी 1986 में स्थापित किया गया था, तो इसमें ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया था, तो यह किया गया था पाटलिपुत्र में, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण, यह आपका समीकरण दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा प्लस में बीटा क्यूब इंटू में अल्फा, अल्फा क्यूब इंटू में बीटा प्लस में बीटा क्यूब इंटू अल्फा क्या होगा, तो ये वैल्यू आएगी इसमें आपकी आर इंटू में क्यू स्क्वायर माइनस में 2 RP अपॉन में पी क्यूब, तो बी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 में भारत का क्या स्थान है, तो इसमें भारत का स्थान है 140वां, ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स इसके बराबर है और एक्स का मान -1 नहीं है, तो अल्फा का मान क्या होगा जिसके लिए एफ
ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो ये आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपका आंसर आएगा माइनस वन सी, इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये आपकी इक्वेशन दी हुई है, तो इसका आपको ऑर्डर और मोलिकुलेटरी बतानी है, यानी इस अभिक्रिया का क्रम और आणविकता बतानी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा इसका क्रम है, इसका ऑर्डर है वन और इसकी मोलिकुलरिटी है टू, तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द फंक्शन कॉल टू द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा बाइंडिंग, डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने किस वर्ष शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की थी, तो यह स्थापना की गई थी 1981 में, इसमें आपका आंसर 1980 हो सकता है, तो ए इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको जो है इसमें से विषम शब्द चुनना है, त्रिकोण, वर्ग, आयत और घन में से, तो ये आपकी तीन जो फिगर है, ये आपकी 2D है, स्क्वेयर, वर्ग और रेक्टेंगल, ये 2D है, और जो घन है ये आपकी जो है 3D फिगर है, तो आपका जो इसमें सी इसमें आपका आंसर आएगा, यह इनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का यानी रिट जारी करने का अधिकार देता है, तो यह देता है अनुच्छेद 32। यह आपका क्वेश्चन जो है अभी मिला नहीं है, तो इसको जो है बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक विशेष विधि है जिसे क्या कहा जाता है, तो आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो यह है आपकी क्लास कंस्ट्रक्टर, तो ए इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत 1990 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी, तो यह 1990 नहीं है, यह आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, यह आपका 1920 है, 1920 में यह की गई थी अक्टूबर के महीने में पानीपत में, तो सी इसमें आपका आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन में यह आपका 1920 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा, सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी किसने स्थापित की थी, तो जो आपके ऑप्शन दिए हुए इसमें आपका आंसर आएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के कारण निम्नलिखित में से कौन सी संधि हस्ताक्षरित नहीं हुई, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए NAM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सीरीज पूरी करनी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 129, ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है, ये मल्टीप्लाई टू माइनस वन फिर मल्टीप्लाई टू माइनस वन की सीरीज चल रही है। वी आर डिस्प्लेस्ड यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, यह पुस्तक लिखी गई है मलाला यूसुफ जई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैल्केरिया बजरी से बना है जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है कंकर्स, सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण एक्स वाई स्टेप पर चल रहा है जिसकी उत्पत्ति का मूल टी इज इक्वल टू जीरो है, जिसमें 20 मीटर पर सेकंड के एक्स घटक और 15 मीटर पर सेकंड के वाई घटक यानी -15 मीटर पर सेकंड के वाई घटक के साथ प्रारंभिक वेग होता है, कण एक्स दिशा में एक त्वरण का अनुभव करता है जो कि ए एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वेयर है, किसी भी समय वेल्टर के समस्त संवेग का निर्धारित करें, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, ए इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था, तो यह किया था लॉर्ड रिपन ने, तो बी इसमें आपका आंसर आएगा। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आंसर आएगा GHTS, बी इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट है, बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचार में है, निम्न में से यह किस सेक्टर से संबंधित है, तो यह बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने कहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है? तो यह किया है मुंद्री गांव में, और मुंद्री गांव की जिले के अंतर्गत आता है, यह कैथल जिले के अंतर्गत आता है, आपको जिला भी याद रखना है। और इसका नाम क्या है, इस यूनिवर्सिटी का नाम है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, ये आपको नाम भी याद रखना है, आपके एग्जाम में ये नाम भी पूछा जा सकता है और आपको जिला भी याद रखना है। हरियाणा में मटके चक्कर पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, तो डी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है, तो यह की जाती है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के द्वारा, सी इसमें आपका आंसर है। यदि दिल्ली को ऐसे लिखा जा सकता है तो बॉम्बे को कैसे लिखा जा सकता है, तो इसमें बी आपका आंसर आएगा, तो बी इसमें आपका आंसर आएगा, ये आपका जैसे दिल्ली को कैसे लिखा गया, CCIDD, तो सी से आपका जो है डी प्लस वन, और ये आपका जो है प्लस टू CDE, प्लस थ्री IJKL, और ये आपका प्लस फोर, ऐसे ही आपका जो है प्लस फाइव, जिनके टर्म्स है जैसे डी चौथे स्थान पर होता है, ई पांचवें स्थान पर, एल आपका जो है 12वें स्थान पर होता है, एच 8वें स्थान पर होता है, तो ये आपके जो है इनमें सी तीसरे से ये आपका चौथे पर आ गया, तो ये आपका सी तीसरे से पांचवें पर आ गया, यानी प्लस टू इसकी प्लेस कर दी, तो ऐसे ही आपका जो बॉम्बे में इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाग नृत्य किस महीने में किया जाता है, तो यह किया जाता है फाल्गुन के महीने में। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है, तो यह आपका आएगा रस समीकरण समिति, यह आपका रसायन विज्ञान से संबंधित है, और बाकी तीनों वर्ड्स आपके जो है मैथ से संबंधित है, यानी ये आपका केमिस्ट्री से संबंधित है, तो ए इसमें आपका आंसर आएगा। उसे चुने जो बाकी से अलग है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 15 इसमें आपका करेक्ट आंसर है। इसमें आपका ये है जैसे ये आपका 8 का स्क्वायर -7, ये आपका है 6 का स्क्वायर -5, ये आपका 3 का स्क्वायर -2, और ये आपका है 4 का स्क्वायर -1, यानी जिसका स्क्वायर है उससे एक टर्म आपको घटानी है, जैसे 3 में से आपका घटाना है, अगर 3 का स्क्वायर है तो 2 घटाया, 6 का स्क्वायर है तो इससे पहली टर्म 5 घटाया, 8 का स्क्वायर है तो इससे पहली टर्म 7 घटाया, लेकिन 4 का स्क्वायर है इससे एक ही टर्म घटाया, यानी 4 का स्क्वायर -1 किया है, यहाँ पे आना था आपका 4 का स्क्वायर -3, तो आपका बी इसमें अलग है, तो इसमें आपका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा खरीफ की फसल है चावल, ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जैसे ये इससे संबंधित है वैसे आपको इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर आएगा GJMP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्चय यानी एक सेट है 1, 2, 3 पर एक संबंध R का ये द्वारा परिभाषित होता है, तो R क्या है, तो इसमें आपका आंसर आएगा none of these, तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो ये आपका ऑफिशियल आंसर किसे पता लगेगा, लेकिन आपका जो इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं आएगा। हरियाणा का प्रथम गवर्नर कौन था, तो हरियाणा के प्रथम गवर्नर थे श्री धर्मवीर, डी इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स का अर्थ प्लस है, वाई का अर्थ माइनस है, जेड का अर्थ डिवाइड है, पी का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो ये इक्वेशन सोल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, तो वो आएगा 20। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है, तो लक्षद्वीप की आपसे राजधानी पूछी है, तो यह कावारती, बी इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए फंक्शन एफ आर
आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स प्लस में 12। तो एफ इनवर्स 4 की वैल्यू आपको बतानी है, तो इसमें आपका आंसर आएगा 3 और 6। सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता है के केजी मोल माइनस 1। तो बी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है? तो असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, ए इसमें आपका आंसर आएगा, बाकी तीनों असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो पंचकुला आईटी पार्क स्थापित किया गया था 2008 में। सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, इनमें से विषम चुनिए, तो ये आपका आंसर आएगा नॉलेज सी यानी सुविज्ञा, सुविज्ञा। तो सी इसमें विषम है। हरियाणा के यमुनानगर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कागज का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाहाबाद सतम शिलालेख निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा रचित है? तो यह रचित है हरि सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण, ये आपका इक्वेशन दी हुई है, तो इसके जो है रूट्स है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू आएगी बी स्क्वेयर इंटू में बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में ए स्क्वेयर सी स्क्वेयर। सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो यह किया गया नंदन नीलेकणी समिति का। चरखी दादरी जिला किस वर्ष में बना? यह बना दिसंबर 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर एक पैरामैग्नेटिक गैस जिसका टी इक्वल टू 300 के है को परिमाण बी इक्वल टू 1.5 टी के भारी समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। गैस के परमाणुओं में चुंबकीय द्विध्रुवीय आद्रुण ये होता है और एक परमाणु की अनुवादित गतिज ऊर्जा के की गणना करें। तो इसमें आपका आंसर आएगा 0.39 ev। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HSIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया है? तो यह किया है मानेसर में। डी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको जो है सीरीज पूरी करनी है, तो इसमें सीरीज में आपका आंसर आएगा 123। आपकी सीरीज है 2, आपका इसमें आंसर आएगा 2 × 3 − 3, फिर आपका 3 × 3 − 3, नेक्स्ट आपका जो है 6 बनता है, और फिर आपका है 6 × 3 − 3, फिर 15 × 3 − 3, फिर आपका आएगा 42 × 3 − 3, तो ये आपका 123 इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, यह किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इसमें आपका आंसर आएगा, सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर ये आपका दिया हुआ है, इसका परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? यह आपका आएगा 14.1 m/s। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स जिनमें कोई चिल्ड्रन नहीं है वे कौन से नोट्स कहलाते हैं? तो वे लीफ नोट्स कहलाते हैं। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है मेवात की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या वर्ण समूह चुने जो दूसरों से अलग है, तो यह अलग है 12m, ए इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करोगे तो इसमें आपका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट है, हिसार में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो यह औसत वर्षा होती है सर्वाधिक अंबाला जिले में। कोने और किनारों के सेट जो उन्हें जोड़ता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ग्राफ। डी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, हाशिम में स्थित अलीगढ़ लिख रखे, यह आसीगढ़ का किला है जो 12वीं सदी में बनाया गया, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे तलवार का किला भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? तो इसमें आपका ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एकल वर्ग प्राप्त होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है?
तो इसमें आपका आंसर आएगा, इसे कहा जाता है अधिश्रेणिक, सी इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, इसको आपको पूरा करना क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर आएगा के डी एस एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, तो यह किया गया 22 अप्रैल 1994 को, सी इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आगे, तो इसमें आपका आंसर आएगा, पहला है इसमें आपको जो है एरर बताना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट वाले में एरर है, बींग ए कोल्ड डे। नेक्स्ट आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें आपका आंसर आएगा हैव नोन। नेक्स्ट है रिटेंटिव, इसमें आपका जो है करेक्ट फेज और फेज विच इज इन मीनिंग ऑफ द कीवर्ड, तो इसमें आपका आंसर आएगा नॉट फॉरगेटफुल, इट्स लेट्स इस टाइम वी वेंट होम। क्यूशोक्टिक, तो इसमें आपका आंसर आएगा प्रैक्टिकल, एल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, तो इसमें आपका आंसर आएगा ही डिड नॉट गेट फर्स्ट क्लास मार्क्स। नेक्स्ट है कोलिन टोल्ड मी अबाउट हिज न्यू जॉब डैश वेरी मच, तो इसमें आपका आंसर आएगा ही इज इंजॉइंग इट वेरी मच। इफ यू नीड ए कोट यू विल हैव टू बाय, तो इसमें आपका आंसर आएगा बाय इट एज इट कैन नॉट गिव यू माइन, तो डी इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के क्वेश्चन करते हैं, निंदा शब्द का विलोम शब्द क्या आएगा, तो यह आपका आंसर आएगा स्तुति। तिथि शब्द का बहुवचन तिथियां। नेक्स्ट है विमला से दिन में नहीं सोया जाता है, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, तो यह भाववाच्य का उदाहरण है। नेक्स्ट है 65, ये आपका इजी क्वेश्चन है, 71, 96, 69 और 37 आपको मैच करना है, तो 20 में आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस वाक्य में कल शब्द का क्या है, तो कल एक, तो इसमें आपका आंसर आएगा कल एक काल है, यानी जो भूतकाल भविष्यकाल, तो कल एक ये आपका भविष्यकाल का उदाहरण है। चोर की ढाड़ी में तिनका, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इसमें आपका आंसर आएगा दोषी स्वयं से डरता रहता है, तो सी इसमें आपका आंसर है। राम तैरता है यह किस क्रिया के लिए उदाहरण है, तो यह अकर्मक क्रिया के लिए उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का उदाहरण है मैं पढ़ रहा हूं। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और आपके कितने मार्क्स बने ये भी आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।